एलियंस। अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में हमने देखा है कि एलियंस दुनिया पर अटैक कर रहे हैं और उसके बाद सुपर हीरोज, अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की पुलिस, अमेरिका के पॉलिटिशियंस पूरी दुनिया को बचाने का बीड़ा उठाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में एलियंस होते हैं? और अगर होते हैं तो अमेरिका के अलावा किसी और दुनिया के कोने में दिखाई देते हैं? क्या इंडिया में भी एलियंस होते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो बॉलीवुड मूवी में दिखाए गए एलियंस की तरह फ्रेंडली होते हैं या फिर दुनिया में वो वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा है? अब इंडिया में और दुनिया में क्या एलियंस वाकई में पाए गए हैं, इस बात को तो अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। लेकिन आज के एपिसोड में इंडिया में एलियंस देखने की घटनाएं, क्या इंडिया में वाकई में एरिया 51 है या नहीं, इस बात को जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड के बाद हो सकता है कि एलियन से जुड़ी हुई आपकी क्यूरियोसिटी को हम थोड़ा सा शांत कर पाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि एलियन से जुड़ी हुई क्यूरियोसिटी आपकी और बढ़ जाए। पूरी दुनिया में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखने की घटनाएं हम सुनते रहते हैं। काफी बार खबरों में आपने भी सुना होगा कि यहां पर या वहां पर यूएफओ देखे गए। लेकिन क्या वास्तव में ये एलियंस के यूएफओ थे या फिर ये दुनिया में फैलाया गया भ्रम है और एलियंस कुछ होते ही नहीं? सबसे पहले जानते हैं कि एरिया 51 क्या है। एक्चुअली जो टर्म है ना, ये सबसे पहले यूएसए में यूज लिया गया था और आज भी कहते हैं कि एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां पे यूएसए से जुड़ी हुई सारी सिक्योरिटी की चीजों का काम धाम होता है। वहां पर इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा और जानवर भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आखिर वहां ऐसा होता क्या है जो एक आम जनता के साथ शेयर नहीं किया जा सकता? क्या वाकई में जो रूमर्स हैं कि एरिया 51 में एलियंस के ऊपर रिसर्च की जा रही है, दूसरे प्लैनेट से दूसरे लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है, ये अफवाह सच है? क्या वाकई में इंडिया में एरिया 51 जैसी कोई जगह है? और अगर है तो क्या वाकई में हमारी गवर्नमेंट वहां पर रिसर्च करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है? सबसे पहले इसकी जानकारी के लिए हमने इंडिया की होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट सर्च की। वहां पर ऐसी कोई चीज है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इनफैक्ट इस तरह की बातों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। यहां तक कि इंडिया के एक एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह की बातें बिल्कुल बेफिजूल है, इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी काफी सारे रिपोर्ट्स और खबरें ऐसी हैं कि इंडिया में एरिया 51 जैसी जगह हो सकती है। यहां तक कि इंडिया में शायद यूएफओ और एलियंस को भी देखा गया है। सबसे पहली जगह इस कड़ी में है पोखरण टेस्ट रेंज। पोखरण नाम सुना सुना सा लगता है ना। पोखरण में इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। अब यहां पर सिक्योरिटी का क्या कारण है? यहां से इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले ये मेक श्योर करती है हमारे इंडियन आर्मी, रॉ, बीएसएफ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और इसके अलावा एक और स्पेशल टीम जिसका नाम है कॉइन, COIN। अच्छा, आपको मालूम है कि यहाँ पर एक बार ISI एजेंट को पकड़ा गया क्योंकि यहाँ से वो नाखून और मिट्टी के सैंपल चुरा रहा था। इसके अलावा यहाँ से एक CIA एजेंट को भी पकड़ा गया है। अब ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पर इतनी टॉप क्लास सिक्योरिटी का क्या कारण है। दूसरी जगह है कोंकला पास UFO बेस। ये जगह हिमालय की पहाड़ियों के बीच में है और इंडो चाइनीज बॉर्डर पर है। अक्साई चीन इस एरिया को कहा जाता है ना। आई एम श्योर कि आपने सुना होगा कि यहाँ पर अक्सर इंडिया और चाइनीज सैनिकों के बीच में तनातनी रहती है। यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ इंडो और चाइनीज लोगों ने UFO को लैंड होते हुए देखा था। इनफैक्ट सनसनी तब फैल गई थी जब कुछ इंडियन सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और अनफॉर्चुनेटली कुछ सैनिकों की यहाँ मौत भी हो गई थी। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने निकल कर आई कि वहां पर एक अंडरग्राउंड UFO बेस बनाया गया है। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन 1962 के वॉर के टाइम पर एक रिपोर्ट PM ऑफिस में सबमिट की गई थी जिसमें बताया गया था कि आसमान में लोगों ने 1962 के टाइम पर 4 घंटे तक एक अनआइडेंटिफाइड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा है। क्या इसका कनेक्शन हमारे इंडियन सैनिकों के गायब होने से है? लेकिन 2006 में फिर से कुछ ऐसा हुआ। गूगल सैटेलाइट ने एक उड़ते हुए UFO की फोटो ली। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस चीज को सीरियस लिया और 5 साइंटिस्टों की टीम वहां पे भेजी। डॉक्टर कुलकर्णी भी इस टीम का हिस्सा थे। जब डॉक्टर कुलकर्णी वहां पहुंचे और काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी। उनसे 40 मीटर दूर एक 4 फुट का एलियन उन्हें दिखाई दिया। जब वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगे तो दूसरे साइंटिस्ट ने उसकी फोटो खींचने के लिए अपना कैमरा निकाला और जब वो 20 मीटर दूर थे तब वो एलियन उनसे दूर कहीं रुक गया। उसके बाद डॉक्टर कुलकर्णी ने बाकी साइंटिस्ट को रोका और कैमरा निकालने से मना किया। फिर धीरे धीरे उस एलियन की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो उस एलियन के करीब पहुंचे वो अचानक से चमकते हुए आसमान में गायब हो गया। डॉक्टर कुलकर्णी ने रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को भी सौंपी। इनफैक्ट वहां के काफी लोकल लोगों ने इस UFO के बारे में बताया। अगर ये बात सच है तो आज तक इसे हमसे छुपाया क्यों गया है
आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपको और हमको इस बारे में कोई खबर नहीं दी जाती है। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है व्हीलर्स आइलैंड का। यह एक्चुअली एक प्राइवेट आइलैंड है और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में। यहां पर किसी आम आदमी का पहुंच पाना नामुमकिन है, क्योंकि ना यहां पर जाने के लिए कोई ब्रिज है, ना यहां पर कोई एयरपोर्ट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जहाज से पहुंचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के तार भी एलियन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईस्टर्न कोलकाता में कुछ लोगों ने एक यूएफओ देखा। सबसे पहले आसमान में एक स्क्वायर शेप में था, उसके बाद एक ट्रायंगल बना और उसके बाद एक लंबी लाइन में कन्वर्ट होकर गायब हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसके वीडियोस अपने मोबाइल फोन से बनाए। काफी दिन न्यूज चैनल्स पर बड़ा हंगामा रहा, अखबारों में भी ये खबर छपी। और जब बिरला प्लेनेटोरियम के मिस्टर दुआरी को इसे दिखाया गया तो सबसे पहले तो वो सरप्राइज हुए, शॉक हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये और कुछ नहीं, वीनस प्लैनेट है। और फिर ये बात हमेशा के लिए मिस्ट्री रह गई कि आखिर वो जो दिखा था वो था क्या। लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। एक बात बताइए, वहां के 572 आइलैंड में सिर्फ 34 पर ही इंसान जा सकता है। इनफैक्ट वहां के लोकल लोगों ने कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखने की रिपोर्ट्स भी की है। खबरों में ये बताया जाता है कि वहां पर एक रिसर्च बेस बनाया गया है। जब बाकी के आइलैंड पर इंसान ही नहीं जा सकता तो वहां पर एक रिसर्च बेस बनाने का क्या मतलब है? शायद रिसर्च बेस इसलिए बनाया गया है ताकि इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च की जा सके, शायद उन लोगों पर रिसर्च की जा सके जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। एक और प्रोबेबल एरिया है त्रिशूल एयरबेस। आपने नाम सुना है इसका? ये एक्चुअली एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एयरबेस है और हमारे बरेली में है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इतना सिक्योर्ड है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। इनफैक्ट इंडिया ने जब MiG-25 फॉक्स बैट्स फाइटर जेट्स खरीदे थे, इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं लगी। इसकी खबर तब बाहर आई जब ये प्लेन्स वहाँ पे रिटायर हुए। अब जरा सोचिए, ये प्लेन वहाँ पे लैंड होते थे, उड़ान भरते थे, जब ये खबर किसी को कानो कान नहीं हुई, तो अगर वहां पर एलियंस के ऊपर रिसर्च की भी जा रही होगी तो ये राज हमेशा राज ही रहेगा। एक ऐसा ही इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया चंडीगढ़ के पास पंचकुला में। एक आदमी ने क्लेम किया कि उसने अपने घर के पीछे 4 फुट के एक एलियन को देखा है, जिसका कलर ग्रे था, जिसकी आंखें गहरी काली थी। इनफैक्ट उसके बेटे ने भी उस एलियन को स्पॉट किया। वहां के आसपास के लोगों ने भी ऐसा रिपोर्ट किया कि उन्होंने ऐसे किसी एलियन को देखा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन नहीं हुआ, या फिर अगर हुआ भी तो उसकी जानकारी को पब्लिक नहीं किया गया, शायद इसलिए कि गवर्नमेंट इस राज को हमेशा राज ही रखना चाहती है। तो ये थे वो सारे स्पॉट्स जहां पर इंडिया का प्रोबेबल एरिया 51 हो सकता है। क्या वाकई में इंडिया में एरिया 51 है? सबसे बड़ा सवाल तो ये, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में एलियंस होते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है एलियंस होते हैं, हो सकता है नहीं होते हैं। हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को इस बात को पब्लिक नहीं करना हो कि एलियंस होते हैं, ताकि आम जनता में पैनिक ना फैले और कोई इस बात पर सवाल नहीं उठा पाए कि आम जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया इस बात की रिसर्च के लिए खराब किया जा रहा है। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज ही ना हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है बताइएगा हमारे कॉमेंट बॉक्स में, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।